हो, तो आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना लिविंग अलोन का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी मम्मी और दीदी थोड़े दिन के लिए गांव गए हुए हैं, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और पिछले कुछ हफ्ते से मैं इसे ठीक से निभा भी रही हूँ। वैसे तो मेरा भाई भी मेरे साथ ही है, लेकिन वो मॉर्निंग में ऑफिस चला जाता है और सीधा रात को ही आता है। यहाँ पर ना मैंने अपने मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह कम्प्लीट कर ली है। शुरू के 1-2 घंटे तो मेरे उसी में जाते हैं, क्योंकि तीनों फ्लोरों में ना अच्छे से झाड़ू पोछा करना होता है। अब मैं यहाँ पर हमारे लिए ब्रेकफास्ट और भाई के लिए लंच साथ ही प्रिपेयर कर रही हूँ। सब्जी में तोरई की सब्जी बना रही हूँ, मॉर्निंग के टाइम पर सूखी सब्जी बनाती हूँ और रात को तरी वाली बनाने की कोशिश करती हूँ। जब जब मुझे ऐसे अकेले रहने का मौका मिलता है ना, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ। पिछली बार जब मम्मी गांव गई थी ना, तो मेरे साथ पूरे टाइम मेरी कज़िन थी, तो मुझे उतना अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ और A to Z मैंने सारी चीज़ें खुद संभाली है। और मैं इतनी जिम्मेदारी की बात इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि घर को संभालना ना अपने आप में एक स्किल है, और अब तो मेरे साथ मेरा एक छोटा सा खरगोश भी है और वो खुद ही अपने आप में एक जिम्मेदारी है। अब जितनी देर खाना बन रहा है ना, उतनी देर में अपने थोड़े और काम निपटा लूंगी। कान्हा जी को भी मैंने उठाकर यहाँ पर नहला दिया है। अब आप लोग सोचते होंगे कि मेरे घर वाले तो गांव जाते हैं, लेकिन मैं हर बार क्यों नहीं जाती हूँ। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और इस बार तो 2 कारण थे। पहला कारण तो यह है कि मुझे ना बहुत ज्यादा उल्टी आती है। हमारा गांव उत्तराखंड में है, सारा पहाड़ी रास्ता है, तो बसें बहुत घूम घूम कर जाती है, इसलिए मेरी हालत खराब हो जाती है। दूसरा तो इस बार खरगोश था, उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे। भाई भी था, उसका ऑफिस भी था, तो वो सारी चीज कैसे करता है, इसलिए मैं रुक गई। रोटी बनाने में आजकल इतनी ज्यादा गर्मी लगती है ना, कि खत्म करते ही सबसे पहले मैंने 1 बॉटल पानी पिया। आजकल तो बढ़िया है, अगर आपको किसी को सजा देनी हो ना, तो उसको रोटी बनाने के लिए भेज दो। भाई के जाने का टाइम होने वाला है, खाना भी बन गया है, तो अब मैं इसे पैक कर देती हूँ। आज की वीडियो में ना, या तो मैं आपको किचन में नजर आऊंगी या फिर अपने खरगोश के आसपास, क्योंकि इन दोनों जगह ही मेरा टाइम निकल रहा है। इतनी गर्मी में ना दिन तक लंच बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, खाने का मन भी नहीं करता। इसलिए ना भाई को मैं छोटी सी बॉटल में ठंडे पानी के साथ थोड़ी दही डालकर दे देती हूँ, ताकि उसको खाने में मजा आए। बस इतना करने में ही ना मुझे 11:30 बज जाते हैं। फिर भाई चला जाता है, तो मैं थोड़े बहुत कपड़े धोने के लिए चली जाती हूँ, और जो भी बर्तन खाने वगैरह के हुए हैं उन्हें धो देती हूँ। अब मैं अपना कूलर चलाऊंगी और थोड़ी देर अपने खरगोश के साथ बैठकर म्यूजिक इंजॉय करूंगी। वैसे ना इतने दिनों से मैं अपने लिए दिन में सेपरेटली खाना नहीं बना रही हूँ। सुबह का अगर कुछ बच जाता है तो वो खा लेती हूँ, या फिर ब्रेड वगैरह ले लेती हूँ। आज मुझे यूट्यूब का एक शॉर्ट शूट करना था, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना लेते हैं। इतने में मेरा एक पार्सल भी आ गया था, तो वो लेने चली गई थी। अब इस पार्सल में क्या है, ये मैं कभी आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। दिन के टाइम पर ना मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठना पड़ता है काम वगैरह निपटाने के लिए, तो इस टाइम पर मैं रेस्ट करती हूँ, और अगर मेरा वीडियो एडिट वगैरह का काम होता है तो उनको भी निपटा लेती हूँ। फिर शाम के टाइम पर ना मैं बाजार चली गई थी। मैं ना लाइफ में पहली बार अकेले बाजार गई थी, और मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड सा फील हो रहा था घर आकर। वहीं पर ही ना रास्ते में मैंने शेक भी पी लिया था, और अकेले मुझे शूट करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं कैमरे को नीचे कर जितना शूट हुआ उतना कर लाई। वैसे तो मम्मी जाने से पहले बहुत सारी सब्जियां रख कर गई थी, लेकिन वो खत्म होने लग गई थी, तो आज ही बाजार था, मैंने सोचा सब्जियां ले आती हूँ। लेकिन मेनली जाने का कारण ये था कि हमारा खरगोश ना धनिया खाता है, और धनिया बिल्कुल खत्म हो गया था। पहले मैंने सोचा था ब्लिंकिट से मंगा लेती हूँ, लेकिन उसमें ना चार्ज इतना ज्यादा लग रहा था, मैंने सोचा इतने में तो मैं कुछ खाकर और सब्जी दोनों लेकर आ जाऊंगी। तो मैंने हिम्मत बांध कर ना बाजार ही चली गई, और दीदी का भी ना 100 बार कॉल आ गया था कि तू अपना मत खाइयो, लेकिन मुस्सू के लिए जरूर लेकर आइयो। अले बाबू ले। मुस्सू ना हमारे खरगोश का ही नाम है। पहले मैंगो रखा था, लेकिन दीदी प्यार से उसको मुस्सू मुस्सू करती है, तो अब हम सब वही बुलाते हैं। और अब मैं यहाँ पर फटाफट से ना सब्जियों को फ्रिज में डाल देती हूँ। सब्जी डालने से याद आया कि मैं ना मेनली मटर लेने भी गई थी, क्योंकि मुझे रात को समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। लेकिन पूरे बाजार में मुझे मटर ही नहीं मिली, एक जगह मिली, वो भी बहुत बुरी सी हो रही थी, तो मैं छोड़कर आ गई। तो साथ में ना मैं पनीर भी लेकर आ गई थी, तो आज रात को मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। और बाजार से आकर मैंने क्या देखा कि मेरे प्यारे मुस्सू ने ना हमारे बेड में टॉयलेट कर ली है, तो मैंने
फटाफट से बेड साफ करा और चादर को निकाल कर धोने के लिए डाला। जैसे ही मैंने कपड़े को बाल्टी में डाला ना, वैसे ही मुझे याद आया कि मैंने सुबह से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाले हैं और वो धुलकर ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, उनको सुखाया भी नहीं है। फटाफट से मैंने सारे कपड़ों को सुखाने के लिए डाला और इसी के साथ मुझे याद आया कि आज शाम को मैंने पौधों को भी पानी नहीं दिया है। वैसे तो रात के टाइम पर इनको पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन आजकल इतनी ज्यादा गर्मी है तो ना देने से अच्छा है कि मैं अभी ही दे दूं। इसके बाद नीचे आकर मैंने अपने मुस्सू के कपड़े को भी धोने के लिए रख दिया था। इसको ना मैं गीला कर 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 जमीन पर बिछाती रहती हूँ। आजकल गर्मी की वजह से जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है और ये दिन भर जमीन पर ही लेटा रहता है। ये जो पीछे से आवाज आ रही थी ना, ये मेरी सामने वाली आंटी और उनके बच्चे के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसकी आ रही थी, तो ये मत सोचना कि ये मेरे घर से आ रही है। और ये इतना ज्यादा समझदार है ना, जैसे ही मैं ये चादर बिछाती हूँ ना, इसके ऊपर आकर लेट जाता है। ये समझ जाता है कि ये मेरे लिए ही बिछ रही है। इतना काम करते करते फिर भाई भी ऑफिस से आ गया था और ऑफिस से आते ही वो सबसे पहले चाय पीता है। वो सुबह भी नहीं पी के जाता, पूरे दिन भर ऑफिस में भी नहीं पीता, तो रात को ही पीता है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए चाय प्रिपेयर कर रही थी, साथ में वो रस भी लेकर आया था, तो मैं भी थोड़ी देर रस खाऊंगी। इसके बाद अब मैं सीधा डिनर बनाने की प्रिपरेशन करूंगी। इसी बीच में ना मम्मी का वीडियो कॉल भी आ गया था। मम्मी पहले गाँव गई थी, वहां तो हमारे फुल नेटवर्क आते हैं, लेकिन वहीं से थोड़ी दूर में ना मेरा मकोट पड़ता है। मकोट मम्मी के घर को कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, और वहां पर ना नेटवर्क थोड़े से कम है, मम्मी ने अब जाकर वीडियो कॉल किया था। और ना अब मैं यहाँ पर पनीर की सब्जी बना रही हूँ। इस लीड ने ना मेरा बहुत सारा साथ दिया, क्योंकि जो मेरा ईयरबड था ना वो टूट चुका है, तो भाई ने मुझे ये एक दो दिन पहले ही दिया था। और अब मैं गाने सुनते सुनते काम करती हूँ, लेकिन आज के दिन जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुस्सू ने इसको तोड़ दिया है, तो अब मैं ऑफिशियली बिना लीड के हूँ। और ये था मेरा आज का डिनर, जिसमें थी पनीर की भुज्जी, रोटी और थोड़ा सा मैंने ना खीरे का सलाद काट लिया था। अब यहाँ पर बर्तनों की हालत देखकर समझ जाओ कि मेरा नेक्स्ट काम है इन सबको धोना। मैं ना बर्तन एक बार मॉर्निंग में धो देती हूँ, इसके बाद डायरेक्ट रात को धोती हूँ, इसीलिए इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। अब करूंगी मैं सोने की तैयारी, सारा काम निपट चुका है। सबसे पहले मैं अपने मुस्सू के लिए ना रात के खाने की चीजें रखूंगी, क्योंकि वो रात को ही सही तरीके से खाता है। भाई का भी बिस्तरा लगा दिया है, नीचे लॉक वगैरह भी सब कर दिया है। यही था मेरा लिविंग अलोन का रूटीन। कैसा लगा आप सबको मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द। ओके बाय।